हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रेलवे स्टेशन पर लौटी रौनक, ट्रेनों का संचालन शुरू। जोधपुर से चलेगी 4 ट्रेनें, सुबह जयपुर से आई ट्रेन शाम को हुई रवाना। सोमवार से देश भर में लॉकडाउन 5.0 शुरू होने के साथ ही आम जन को ज्यादा सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई है। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी पूरी क्षमता से बहाल हो गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में भी सोमवार से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा अन्य 10 ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। इसमें जोधपुर से 4 ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है। आज सुबह जयपुर से जोधपुर के लिए यात्री ट्रेन आने के बाद वहीं शाम को वापस जयपुर के लिए रवाना हुई। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा आज से 10 ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है। जोधपुर में 4 ट्रेनें शुरू हुई हैं। इसमें गाड़ी संख्या 02463 व 02464 जोधपुर दिल्ली सराय, रोहिला जोधपुर संपर्क क्रांति त्रिसप्ताहिक एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 02479 व 02480 बांद्रा टर्मिनस जोधपुर बांद्रा टर्मिनस सूर्यनगरी एक्सप्रेस प्रतिदिन, गाड़ी संख्या 02477 व 02478 जोधपुर जयपुर जोधपुर एक्सप्रेस प्रतिदिन और हावड़ा जोधपुर बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस प्रतिदिन है। आज सुबह जयपुर से जोधपुर पहली ट्रेन आई। इस ट्रेन में आए यात्रियों की यहां रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाहर निकाला गया। यही ट्रेन शाम को वापस जयपुर के लिए रवाना हुई। दिल्ली से कल सुबह पहली ट्रेन आएगी जो शाम को यहां से रवाना होगी। ये सप्ताह में 3 चलेगी। हालांकि ट्रेनों में यात्रा के लिए टिकट बुकिंग कराने के लिए रेलवे ने फिलहाल रिजर्वेशन काउंटर पर बुकिंग विंडो की संख्या सीमित रखी गई है। यात्रियों की संख्या बढ़ने व डिमांड होने पर बुकिंग विंडो की संख्या भी बढ़ाने पर रेलवे प्रशासन विचार कर रहा है। यात्रा के दौरान रेलवे प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर गाइडलाइन जारी की है। रेलवे प्रशासन यात्रियों के यात्रा के दौरान ही एक फॉर्म भराया जा रहा है जिसमें यात्री को पूरी जानकारी भरकर यात्रा समाप्त होने वाले स्टेशन पर उस फॉर्म को जमा करना अनिवार्य है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।